नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम उन लोगों के बारे में जानकारी देंगे जिनको अस्थमा की शिकायत है, जिनको सांस से संबंधित शिकायत है, जो इनहेलर लेते हैं, जो पंप का इस्तेमाल करते हैं हमेशा सांस लेने के लिए। आज हम आपको एक बहुत ही उत्तम औषधि के बारे में जानकारी देंगे जिसे आप आसानी से ले सकते हैं और अपने सांस से संबंधित बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आपको लेना क्या है ये आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है बांस का मुरब्बा। आप ये देखिए, बांस का मुरब्बा है। आप इस बांस के मुरब्बे को रोज सुबह को आपको एक पीस खाना है और रोज शाम को एक पीस खाना है। सुबह को खाली पेट खाना है और शाम को खाना खाने से आध घंटा पहले आपको एक पीस खाना है। इसके साथ आपको क्या करना है, यह हम आपको टैबलेट दिखा रहे हैं। इस टैबलेट का नाम है श्वास कुठार रस। यह आपको श्वास कुठार रस किसी भी कंपनी की मिल जाएगी, आप इसका सेवन कर सकते हैं। दो गोली सुबह को और दो गोली शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आपको लेना है। आप गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं और शहद के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो हमने आपको ये बांस का मुरब्बा दिखाया है, श्वास कुठार रस आपको जो ये टैबलेट दिखाई है, अगर सांस से संबंधित रोगी जिनको अस्थमा की शिकायत है, 2 से 3 महीने तक आप यह लेते हैं, तो जो लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पंप भी कहते हैं, उनकी यह आदत छूट जाती है और उनको सांस से संबंधित जितनी भी परेशानी है वह लगभग ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने ये आपको साइड में दिखा रहे हैं, ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे देखना आप ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी हमसे सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।